अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल एंड क्विक शिमला मिर्ची चिकन ग्रेवी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल को ऐड कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद प्याज को ऐड कर लेंगे। हाफ प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके ऐड कर लिया है। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर कसूरी मेथी को ऐड कर रही हूँ। साथ में ग्राइंड किया हुआ हरा मसाला ऐड कर रही हूँ। हरे मसाले के लिए मैंने हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्ची, 1 बड़ी कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन, खड़े मसाले और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करके फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है। हरे मसाले को ऑयल में 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं यहाँ पर नमक को ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी। इसी के साथ मैं यहाँ पर फाइनली चॉप किया हुआ आलू और शिमला मिर्च को ऐड कर रही हूँ अच्छे से मसाले में। हम इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पर क्लीन किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से आलू में भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद 5-10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5-10 मिनट के बाद मैं यहाँ पर पानी को ऐड कर रही हूँ। मैं वो हरा मसाले का ही पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके प्लेट बंद कर हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हमारी शिमला मिर्ची चिकन ग्रेवी बनकर तैयार है।